अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल अक्सा उस्मान। आज जो है ना, ये देखिए आयजा जो है ना पागल हो गई है। आयजा ना अपने बाबा की शर्ट पहन के आ गई और कह रही, देखिए मम्मा मैं कैसी लग रही हूँ। आयजा वैसे तुम भी ना अजीब ही बच्ची हो। हाँ, यही बस काम सोचते तुम्हें, हाँ, कि हर वक्त जो है इस तरह मस्तियाँ करते रहना। मांगने वाली बन गई है आयजा जो है ना। और ना अभी आमना आयजा जो है ना, ये पीछे भी पड़ी हुई है कि ना हमें ना सुबह ना वो खाने हैं, चॉकलेट बंस खाने हैं, हमें चॉकलेट बंस बना के। तो देखती हैं कि टाइम निकलता है या नहीं, क्योंकि इस टाइम जो है ना रात के देखें 11:45 हो रहे हैं। तो अब मैं सोचती हूँ अभी बनाऊँ या ना बनाऊँ, या डो अभी बना के रख देती हूँ। कुकी कटर है ना, कुकी कटर में आप लोगों को बाद में कुकीज़ बना दूँगी किसी दिन। नहीं, इस शेप का हम लोग चॉकलेट बन नहीं बनाएंगे, वो मैं बना लूँगी। मैं डो गूंदूँ या बनाऊँ या ना बनाऊँ, दिल नहीं कर रहा बनाने को। लेके आती हूँ, ठीक है ना, फ्लावर वगैरह लेके आती हूँ और अंदर से यीस्ट वगैरह निकालती हूँ। यही ना, तुम कौन सा डांस करके दिखा रही हो। हाँ, उसका एडमिशन भी होने वाला है और फिर देखिएगा आयजा की जो जितनी भी है ना छोटियाँ वगैरह सारी ये ख़त्म हो जाएंगी, फिर आयजा जो है ना सुधर जाएगी। चलो फिर हम लोग ना स्टार्ट करते हैं अपना ना बन बनाना। क्योंकि डो जो है वो बनाने लगी है, स्वीट बंस मैंने कहा चॉकलेट बंस, तो मैंने मैदा भी जो है ना वो ले लिया है और एक एग लिया है, इंस्टेंट यीस्ट लिया है, ब्रेड इम्प्रूवर लिया है, थोड़ा सा बटर लिया है, शुगर ली है और एक बाउल ग्रीस्ड लिया है और मेजरिंग स्केल लिया है, ठीक है। थोड़ा सा दूध और पानी का जो है ना मिक्सचर जो है वो मैंने उसको वार्म कर लिया। अभी जितनी देर हम लोग चीज़ों को मेजर करेंगे, वेट करेंगे, उतनी देर में वो ठंडा हो जाएगा। सबसे पहले ना हम लोग अपना मैदा लेते हैं, तो मैंने जो है ना ये बाउल रख दिया उसके ऊपर और मैं इसका जो वेट है ना इसको टेयर कर दूँगी। जब ज़ीरो हो गया, अब मैं जो है ना अपना मैदा इसके अंदर डाल के वेट करूँगी। 300 ग्राम जो है ना मैदा चाहिए मुझे। आप पहले इसकी डो बना के फिर उसको सुबह करो ना। मैं इसके ऊपर वेट करूंगी, ये देखिए जीरो पे है ये ना। तो हम लोग अभी इसके ऊपर अपने शुगर जो है उसको मेजर करेंगे। ये जो है ना मैं मुझे फिर आप इसकी डो 30 ग्राम जो है ना वो लूंगी शुगर। मुझे फिर आप इसकी डो बनाओगी? हाँ जी, ठीक है, शुगर ऐड कर दूंगी अपने। ठीक है, फिर उसके बाद मैं दोबारा इसको लूँगी और फिर मैं जो है ना अपनी इंस्टेंट यीस्ट जो है वो इस पर वो करूँगी। मुझे 10 ग्राम जो है ना मैं यीस्ट चाहिए। कितने किलो है? 10 ग्राम जो है वो यीस्ट ऐड करेंगे। फिर हम लोग इसको लेंगे और 5 ग्राम जो है ना वो मैं ब्रेड इम्प्रूवर जो है वो मैयर करूँगी। ये मैं ब्रेड इम्प्रूवर भी इसके अंदर ऐड कर दूँगी। फिर अब मैं इसके ऊपर अपना मिल्क पाउडर जो है उसको वेट करूँगी। भाई आप दूध से, ये दूध के नंबर ही डाल के पी सकते हैं। ठीक है, अब हम लोग इसके अंदर ये मिल्क पाउडर भी ऐड कर देंगे। ठीक है, ये चीज़ें हमारी ऐड हो गई। अब हम लोग इसके अंदर अपना थोड़ा सा नमक ऐड करेंगे। ये देखें, ये जो थोड़ा सा नमक है ना ये मैं ऐड कर दूंगी इसके अंदर। एक चुटकी डालनी होती है बस। थोड़ा सा डाल दो, बस काफ़ी है। चलो हाँ, उसको दस्त कर देते हैं ना, ज़ाया ना हो ये। हाँ जी, हम लोग इसके अंदर अपना एग ऐड करेंगे। जो सेम बन वाली डो है ना उसी डो से जो है ना हम लोगों ने इसका डो बनानी है। इसको अच्छे तरीके से अब हम लोग नीट करेंगे। अब हम लोग इसके अंदर जो है ना अपना दूध और पानी का जो मिक्सचर है ना उससे अब हम लोग इसकी डो बनाएंगे। अब मैं अपना इसके अंदर दूध और वाला मिक्सचर डालूंगी और आटा गूंथी जाऊंगी। ओहो, मुझे अभी से बड़ी अच्छी खुशबू आ रही है इसमें से। तो अभी से तुम्हें खुशबू आने लग गई आयशा? हां जी मम्मा, मुझे भी सुबह थोड़ा सा मिल्क आप सुबह भी देना है। अब सुबह तुम्हें नाश्ते में जो है ना ब्रेकफास्ट में यही मिलना, ठीक है ना? बन चॉकलेट। हाँ, चॉकलेट बन, ठीक है।
चॉकलेट चिप्स भी चलो देख लेते हैं। अब जो है ना मैं अपनी डो को निकालूंगी शेल्फ पे, शेल्फ मैंने साफ कर ली थी तरीके से। जो भी शेल्फ या काम है ना वो साफ करना चाहिए शेल्फ वगैरह। अब हम लोग इसको अच्छे तरीके से यूं घूम देंगे, ठीक है, हाथों से मसल मसल के जैसे आटा होता है। जब डो राइज होगी और हो गया तो बिल्कुल स्मूथ हो जाएगा। और इसको हम लोगों ने काफ़ी हाथों से मसल लिया है और अब हम लोग ये जो है ना ग्रीस पाउल है हमारा, इसमें हम अपनी डो को जो है ना निकाल लेंगे। मैंने निकाल लिया है और इसे हम रख देंगे थोड़ी देर के लिए। अब हम इसको राइस होने के लिए रख देंगे और फिर जब ये राइस हो जाएगी ना, नहीं हम लोगों ने एक घंटा के लिए रखना है राइस होने के लिए। फिर जब ये राइस हो जाएगी फिर हम लोगों ने एक बार इसको अच्छे तरीके से दोबारा जो है ना स्ट्रेच कर कर मैंने मैं तो सो गई हूं। अच्छी डो बन गई है, ये देखिए अभी 12 बजे इसे देखना है। ये हम लोगों ने ना बाद में इसको यूं स्ट्रेच करना है। डो हमारी राइस हो गई थी, अब हम लोग ना मैदा डस्ट करेंगे इधर और फिर हम लोग अपने डो को इसके निकाल लेंगे। और अब फिर हम लोगों ने एक बार इसको अच्छे तरीके से घूमना जो है ना, मैंने इसमें निकाल लिया है। अब ना मैं इसके छोटे छोटे से पेड़े लूँगी इस पे लगाएंगे अपना स्प्रेड। हम लोग इसको यूं फोल्ड कर देंगे और फिर इसको एक बार बेल लेंगे। ऐड कर सकते हैं और यूं इसको रोल कर लेंगे। फिर अब आप इसको कोई भी शेप दे सकते हैं, इससे हम बेशक दे के ग्रीस ट्रे में साथ साथ रखी जाएंगे। तो एक बार ही उसके अंदर डो के अंदर ही बेशक ऐड कर लें चॉकलेट चिप्स और फिर हम लोग इसको बाद हम लोग इसको बेशक और इधर रखी जाएंगे बेकिंग ट्रे पे, ठीक है। इस तरह हम लोग बाकी भी शेप्स दे लेते हैं और फिर आपको दिखाते हैं। एक को जो इस वाली को जो है ना हम लोग फ्लावर शेप देते हैं चॉकलेट। हम लोग इधर जो है ना मेरे बंस जो है वो प्रूफ हो चुके हैं। अब मैं इस पे जो है इन पे ना एग ब्रश करूँगी और ताकि इनका खूबसूरत सा कलर आए। एग जो है ना वो हम लोगों ने ब्रश कर दिया, अब मैं थोड़े से ना तिल और कलवंची जो है ना वो ऊपर स्प्रिंकल कर दूँगी ताकि हमारे बन जो है ना, और अब हम लोग ना इनको बेक होने के लिए रखेंगे प्री हीटेड ओवन में ना। ये हम लोग अपने ओवन को जो है ना प्री हीट होने रख देंगे, ठीक है। और ओवन हमारा ऑन हो गया है, इसको हम लोग ऊपर नीचे दोनों की रोड्स ऑन कर देंगे। और अब जो है ना मैं इसके अंदर अपने बन की पहले ये ट्रे रखूँगी। बन जो है ना देखिए हमारे रेडी हो गए हैं, कलर देखें कोई कितना ही खूबसूरत आया है। ये देखिए मैंने आपको कहा था ना ये बहुत प्यारे बनेंगे। और अब हम लोग अपने इन बंस को जो है ना वो रख देंगे बेक होने। बंस जो है ना अब हम लोग उस पर करेंगे ब्रश करेंगे, ये सॉफ्टनेस चेक करें कि कितने सॉफ्ट बने हैं हमारे। ये बंस भी हो गए हैं, ये हम
है माशाल्लाह, इतने प्यारे बंस को देख के निकलता है फबिया, ये आला आई रब की मातो कज़िबान, और तुम अपने रब की कौन कौन सी नियमतों को झुटलाओगे। और यहीं पे हम अपनी वीडियो का एंड करते हैं। उम्मीद है कि हमारे ये वीडियो आपको पसंद आई, अगर पसंद आई तो हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। हमारी तरफ से अल्लाह हाफिज़।